नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए अध्याय 12 लेकर वृत्त एवं स्पर्श रेखा का प्रश्नवली क्रमांक एक आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि आकृति में ये जो आपको दिया गया है, देख लीजिए आकृति आपको, तो आकृति में पी क्यू, ये जो पी क्यू है क्या है, वृत्त का व्यास है, साफ दिख रहा है। एम एन, और जो एम एन है वो लंब है पी क्यू पर, ठीक है, यहाँ 90 का एंगल बनेगा, लंब है। पी क्यू जो है ये पूरा व्यास जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, और व्यास 10 है इसका मतलब त्रिज्या जो है ओ क्यू बराबर और ओ पी बराबर रहेगा, तो त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो 5 सेंटीमीटर होगा आपका ओ पी और ओ क्यू। अब जितने भी त्रिज्या बनाएंगे इस सर्कल के अंदर वो 5 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। उसके बाद पी आर जो है, पी आर कहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये छोटा सा टुकड़ा जो है आपका 2 सेंटीमीटर है। तो हमें करना क्या है, एम एन की लंबाई, तो एम और एन इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए एक त्रिज्या है, ये क्या जीवा है ना, जीवा है, और यहाँ से लंब है, तो जीवा से यहाँ पे जो लंब डाला गया है इसका मतलब एम आर बराबर आर एन होगा, है ना। अगर हमको एम आर का अगर पता चल जाए तो एम एन क्या होगा, उसका 2 गुना होगा, इसका जितना भी एम आर का मान आएगा तो एम एन उसका डबल होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ओ आर चाहिए। ओ आर पता चलने के बाद ये यहाँ से त्रिज्या बनाएंगे, तो त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर का बनेगा। ओ आर निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, एम आर निकाल लेंगे, एम आर निकलने के बाद उसको 2 से गुना करेंगे तो एम एन का मान अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे चित्र में हल चालू करते हैं हम लोग। पी क्यू व्यास है ना, और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसीलिए त्रिज्या क्या है, ओपी ओपी है ना, और एक और त्रिज्या यहाँ बना देते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसा, है ना, ओ एम बराबर कितना होगा, 10 का आधा होगा, 10/2 है ना, इसका आधा होगा ओपी का, और ओपी ये पी पी क्यू, पी क्यू कितना है, 10 का आधा 2, तो ओ एम बराबर ओपी बराबर, दोनों त्रिज्या है, जितने भी त्रिज्या होगी सब बराबर होगा, तो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर उसका आधा होगा, ठीक है। अब ये हमको पता चल गया है कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना, ये हो गया हमारा 5, और ये पूरा जो है ओ पी वो कितना है, 5, और ये जो छोटा सा तो टुकड़ा दिया था पी आर, देखिए प्रश्न में पी आर ये 2 दिया था, अभी पूरा 5 है, और यहाँ से हमको ओ आर निकालने के लिए, ओ आर बराबर क्या है, ओ पी, ये पूरा ओ पी माइनस पी आर करेंगे, है ना, ओ पी में से पी आर को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ओ आर, तो ओ आर बराबर ओ पी कितना है आपका, ओ पी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और पी आर आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 3 सेंटीमीटर यहाँ पे 3। अब त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, एम ओ आर, कुछ भी लिख सकते हैं उसको, कोई टेंशन नहीं, एम ओ आर में है ना, एम ओ आर में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसका कर्ण कौन सा है, ओ एम, तो ओ एम का
का जो स्क्वायर आएगा वो दो साइड कौन कौन सा है, ओ आर, ओ आर का स्क्वायर होगा प्लस में एम आर का स्क्वायर, है ना, एम आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ओ एम तो हमारा पाँच है, तो पाँच का स्क्वायर, ओ आर कितना है तीन है, तो तीन का स्क्वायर, और एम आर का मालूम नहीं है तो एम आर स्क्वायर। पाँच पंचे 25, तीन तिया 9 प्लस में एम आर का स्क्वायर, ठीक। अब इसको पक्षांतर कीजिए, 25 9 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस बराबर एम आर का स्क्वायर। तो कितना होगा ये, 25 में 9 गए तो 16 बराबर एम आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल लगा दीजिए, 16 का वर्गमूल और एम आर स्क्वायर का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 बराबर इसका ये कैंसिल हो जाएगा एम आर। अब आपका एम आर जो है 4 सेंटीमीटर आया है, तो देखिए ये जीवा है, केंद्र से डाला गया लंब है, मतलब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो एम आर जो है हमको पता चल गया है 4 सेंटीमीटर, और एम एन क्या होगा, एम आर के डबल होगा। तो यहाँ पे लिखिए एम एन बराबर 2 गुना एम आर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, एम एन बराबर 2 गुना कितना है एम आर, 4, तो बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये है आपका आंसर दोस्तों। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पूरे क्वेश्चन के हल आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।